लोगों के पानी के बिल काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना के दौरान लोगों के मीटर की रीडिंग नहीं हो पाई थी और उस वजह से कई मीटर रीडर्स ने बिना गए गलत रीडिंग भर दी। बहुत सारे कारण रहे, कईयों के गलत बिल गए। उसकी वजह कई महीनों तक जब एक्चुअल मीटर रीडिंग नहीं हुई तो अगली बार जब मीटर रीडिंग हुई वो सारा पुराना एक्यूमुलेट हो गया। इन सारे कारणों को अगर हम देखें तो दिल्ली में टोटल 27.6 लाख कंज्यूमर्स हैं पानी के। 27.6 लाख डोमेस्टिक मीटर्स हैं हमारे। इसमें से 11.7 लाख बिल्स जो हैं उस पे एरियर्स हैं, वो बिल लोग नहीं भर रहे किसी भी कारण की वजह से। लोग अपने अपने बिलों को लेके परेशान हैं, पानी के बिलों को लेके परेशान हैं। इन 11.7 लाख बिल्स के ऊपर एरियर्स हैं और एरियर्स हैं 5,737 करोड़ रुपए के। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए हैं जिससे दिल्ली के लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और सब लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। सबके बिल्स को दो कैटेगरी में बांटा है हमने। एक वो बिल्स हैं, एक वो लोग हैं, वो कंज्यूमर्स हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा ओके रीडिंग आई हुई हैं। ओके रीडिंग लोगों की एक या निल ओके रीडिंग है वो लोग। जिन लोगों की दो या दो से ज़्यादा मीटर रीडिंग हैं, तो अगर दो मीटर रीडिंग है तो दोनों मीटर रीडिंग का फिर एवरेज ले लिया जाएगा। और अगर दो से ज़्यादा मीटर रीडिंग है, जैसे 3 मीटर रीडिंग है, तो 3 में जो बीच वाली मीटर रीडिंग है, बीच वाली मीटर रीडिंग से अगर अगली बड़ी मीटर रीडिंग डबल से ज़्यादा है, तो उस वाली बड़ी फिर ये माना जाएगा कि वो गलत रीडिंग हो सकती है। मैं फिर से समझा दूँ, मान लीजिए 3 मीटर रीडिंग है, एक है 50, एक है 75 और एक है 200, ये तीन, तो 50-75 मीडियन वाली रीडिंग हो गई। तो 200 वाली रीडिंग जो है वो 75 की डबल से ज़्यादा है, तो 200 को हटा देंगे हम, ये मानेंगे कि ये कुछ गलत रीडिंग हो गई। सो जितनी भी हमारे पास ओके रीडिंग्स होंगी, ऐसी आउटलायर रीडिंग्स को हटाने के बाद जो रीडिंग्स बचेगी उसका एवरेज लेके, जितने महीनों में उसने बिल नहीं भरा होगा उन सबको, उन सब महीनों में उस बिल को हम डाल देंगे और उसके हिसाब से उसका बिल बना के भेजेंगे।